हेलो गाइस, वेलकम टू जगह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं डेजी के बारे में, क्योंकि डेजी ने ना अभी तक मतलब कि कोई बच्चा नहीं दिया है। और मेरे को ना मतलब ज़्यादा वो सब करने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं सीधा डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं हम डेजी के बारे में, क्योंकि अभी तक डेजी ने मतलब देख सकते हो अभी तक बच्चे डिलीवर नहीं करे इसने। और आज इसको हो चुके हैं 63 डेज़ हो चुके हैं आज इसकी प्रेगनेंसी को, लेकिन अभी तक ना इसने कोई बच्चा डिलीवर नहीं कराया, ना ही मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटी दिखाई इसने। शायद हो सकता है, मैंने किसी से पूछा था तो उसने बोला था कि हो सकता है शायद अभी सर्दी का टाइम है तो इसलिए एक दो दिन ऊपर ले लिया हो। और जितना मतलब कि वो अपने हिसाब से बोल रहे थे कि जितना हो सकता है, मतलब कि 2-4 दिन लेट भी बच्चे देती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा ही होता है हमारी फीमेल के लिए और हमारे लिए भी, कि भाई अगर जो लेट डिलीवर करती है थोड़ा सा 2-3 दिन बाद, तो क्योंकि बच्चे ठीक ठाक होते हैं उस टाइम पर, ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है उनकी। तो फ्रेंड्स, अभी एक बार डेजी को शो करवा देते हैं आप सबको, देख सकते हो डेजी। तो अभी ना इसका जो पेट है ना गाइस, वो ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नीचे लटक चुका है। दिखाता हूँ, ये देखो बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है इसका पेट। तो मेरे मेरे ख्याल से तो ना आज या कल, आज शाम को या कल सुबह तक या कल शाम तक इसकी मतलब कि डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि यार नॉर्मली बोल रहे हैं सब लोग कि 62 तो नॉर्मली प्रेगनेंसी का टाइम होता है, बाकी डिलीवर करने में फीमेल ले लेती है, एक दो दिन ऊपर भी ले लेती है। जैसे आज इसको 63 हो चुके हैं तो कल 64 डेज को शायद ये बच्चे दे दे, तो उसमें अच्छी बात होगी। तो अभी एक बार ना डेजी के बारे में आप सबको बताऊँगा कि इसको मैंने क्या क्या इसकी ग्रोथ चला रखी है, मैं कैसे इसकी ग्रोथ मैं मेंटेन कर रहा हूँ, खाने पीने की जो भी ग्रोथ बढ़ रही है इसकी। और ना जैसे मतलब कि इसका जो कोट वगैरह है ना, स्टार्टिंग में तो मतलब कि काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था इसका कोट, लेकिन अब जो इसका कोट है ना वो थोड़ा सा मतलब कि हल्का हो गया है और ना गिरने लग गया, मतलब कि बाल सारे सारे बाल जो भी है इसके सारे झड़ने लग गए हैं। तो ना कल जैसे कि मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी, हमने ना डेजी का नया बेड बनाया था, उसके लिए एक चीज़ और सरप्राइज आप सबको दिखाऊंगा। तो ये हमने जैसे कि लाइट ऑन कर लेता हूँ एक बार, इतना ही इतनी रोशनी हो पाएगी रूम में। तो ये मेरा रूम है, बेडरूम, यहाँ पे मैंने डेजी का ऐसे भी कुछ बिस्तर लगाया हुआ है, सर्दी ना लगे इसको। उसके पास वैसे तो रजाई भी पड़ी है यहाँ पे, और कंबल था छोटा पतले वाला कंबल था जो कि मम्मी नीचे ले गई थी सुबह, क्योंकि है ना नीचे जाने के लिए जिद कर रही थी, तो मम्मी इसको थोड़ी देर के लिए नीचे लेकर चली गई थी। उसके बाद से तब से सुबह ये 9:30 बजे के 9:30 साढ़े 8, हाँ 8:30 साढ़े 8 बजे की बात है, उसके बाद से ये मेरे पास ही है ऊपर आराम से यहाँ पे लेटी हुई है। तो इसको ना मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है डेजी। देखो जैसे अभी जाके खुद बैठ गई ना, तो ऐसे ही पूरी रात सोती रहेगी, बैठ जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं करती। सुसु पोटी इसको करना होता है तो उठा देती है आके, यहाँ पे गंदा नहीं करती है। वैसे और डॉग्स इसके साथ मैं कंपेरिजन करूँ, जैसे मेरे पास एक जिमी आई थी स्टार्टिंग में, उसका भी ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है। वो मेरे पास ना एक जिमी आई थी, तो ना उसने जैसे ये जो जिस पे रजाई रखी हुई ना, इस वाले सोफे के बिल्कुल जस्ट नीचे ना, यहीं पे पोटी कर दी थी उसने, और यहीं पे ना मतलब ऐसे गोल चक्कर में ना मतलब बिल्कुल निशान हो रखा है। और एक बात और है फ्रेंड्स, डेजी का ना मतलब कि हो सकता है, मेरे को लग रहा है आज कुछ परसेंट ये डिलीवरी कर दे बच्चों की, वो कर देगी तो अच्छा ही है यार, वरना वो तो यार जो जब जो होगा वो तो तभी होगा, हमारे कुछ वो करने से तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं डाइट की आप सबको बता दूँ, जो मैं इसको डाइट जो मैं दे रहा हूँ इसको इसको मैं डाइट दे रहा हूँ, जैसे कि सुबह उठते ही मतलब कि उठते ही तो ये कुछ नहीं खाती पीती है बिल्कुल भी, सुसु पोटी करने जाती है, उसके बाद भी 1.5 घंटा सोएगी। उसके बाद इसको मैंने आज थोड़ा लेट दिया था, 10:30-11 बजे के आसपास दिया था, क्योंकि यार मैं तो सो रहा था, क्योंकि घरवालों ने फिर दिया नहीं, वो भूल गए होंगे, तो है ना मैंने वैसे तो इसका ना सब प्रॉपरली ध्यान रखते हैं, तो आज ये पूरे दिन से ऊपर ही थी ना, तो उन्होंने सोचा कि मैंने दे दिया, बट मैंने इसको कुछ खाने के लिए ना नहीं दिया था। तो अभी इसको ना मैंने जस्ट वो कटोरा रखा हुआ ना पीछे, उसमें वो पूरा भर के कटोरा मैंने इसको दूध फाड़ के नींबू डाल के उसमें, और चने जो होते हैं ना चने दिए थे, क्योंकि वो यार मतलब कि
इसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और थोड़ा बहुत हो सकता है डिलीवरी ये जल्दी भी कर दे, थोड़ा टाइम तो इसका क्योंकि 62 डेज तो इसको पूरे हो ही चुके हैं, बाकी हो सकता है थोड़ा बहुत गर्म तासीर का खाना दें इसको और डिलीवर कर दे, क्योंकि कुछ दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ में, क्योंकि जब टाइम पूरा हो जाता है तो 1-2 दिन ये अपने हिसाब से ऊपर लेते हैं बस। वैसे बच्चे जो होते हैं वो बन चुके हैं बिल्कुल, और नीचे गिर चुके हैं बन के, मतलब के पेट में आ चुके हैं बिल्कुल इसके नीचे, जैसे मैंने दिखाया था पेट जो लटक रहा था, और अब जो इसका मतलब के ऊपर से जो है ना, जो ये ऊपर का जो हिस्सा है इसका एक बार आपको बता देता हूँ दिखा के। अभी 62 डेज में, मतलब 60 डेज होने पर ना, जो ये जो हिस्सा है ना इसका, ये यहाँ से लटक के नीचे गिर गया है, और ये यहाँ पे आके सारा जमा हो चुका है इतने एरिया में इसके, यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि ऐसा होता है जब बच्चे बनते हैं ना तो वो ऊपर का हिस्सा जो होता है वो भरा भरा एकदम दिखाई देता है, जब बच्चे बन जाते हैं ना बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद ना वो नीचे गिर जाता है, इसका जो भी जो सिस्टम है वो नीचे गिर गया है। तो इसके लिए डाइट की बात, जैसे डाइट की हम बात कर रहे थे, तो इसको मैं सुबह 1 कटोरा दूध फाड़ के देता हूँ, उसके साथ आज मैंने इसको चने ऐड कर दिए थे, अभी इसको दोपहर में मैं 1-1.5 बजे के आसपास या 12, 12:30, 1 बजे, हाँ 12:30 बजे, 12 बजे के बाद इसको मैं 6-7 तो आलू दूंगा, जो मैं इसको डेली रूटीन में देता हूँ, 6-7 आलू, और हाँ 2 गाजर उबाल के, दोनों चीज उबाल के, और टमाटर और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, मटर वगैरह हो गई, पालक वगैरह हुई, तो वो देता हूँ मैं इसको खाने के लिए, और ये बिल्कुल खुश होके खाती है यार, कोई पेडिग्री नहीं है इसके लिए, ना ही कोई चिकन है ना ही कोई एग है, कुछ भी नहीं है, और तभी भी देखो जिंदा है वो, रह रही है अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया उसकी ग्रोथ है, सेहत में भी ठीक है। तो यार मेरा एक मानना है कि डॉग्स को चिकन एग वगैरह मत दो, क्योंकि यार क्यों किसी की लाइफ खराब करनी है यार, चिकन एग ये किसी की जान मार के और दूसरी जान को आप खिला रहे हो, उसको भी पाप का भागीदार बना रहे हो, खुद भी बन रहे हो, तो ऐसा ना करें, मेरी एक राय है बस, बाकी आप सबकी मर्जी है। देखो वो तब भी बिल्कुल फिट है, उसको हम ऐसा कुछ नहीं देते खाने के लिए, तब भी वो बिल्कुल अच्छे से रहती है, खाती पीती है, रोटी खाती है। हाँ जैसे कि जैसे राइट डाइट की बात चली थी, इसको 12:30 बजे में आलू गाजर मटर वगैरह पालक जो होती है अवेलेबल जो होता है मेरे पास, जो कुछ ज़्यादा ही इसको पसंद है, जो इसे जैसे आलू मटर इसको ज़्यादा ही वो है, तो इसको अरेंज करवा के कहीं ना कहीं से मैं देता हूँ खाने के लिए, और ये आराम से खाती है खुश हो के। और उसके बाद ये 3-4 बजे के आसपास अगर जो कोई घर में खाना वगैरह खा रहा, रोटी वगैरह खा रहा है, तो ये वो खाएगी, रोटी वगैरह खा लेगी, इसका कोई वो नहीं है। अगर जो शाम के टाइम हम कुछ खा रहे हैं और दूध वगैरह भी पी दे देते हैं इसको, दूध चाय चाय में दूध डाल के थोड़ा आधा कप चाय और 1 गिलास दूध में मिक्स करके वो दे देते हैं, वो भी खुश होके पी लेती है। उसके बाद शाम को इसको देते हैं मक्खन के साथ रोटी खिलाते हैं, वे मक्खन के साथ रोटी ही खाती है। अभी ये प्रेगनेंसी की जो इसकी डाइट मैंने चला रखी है, मैं वो डाइट आप सबको बता रहा हूँ, वो डाइट बिल्कुल बढ़िया चली हुई है यार, बिल्कुल बहुत अच्छे से हो चुका है सब कुछ। बाकी यार ये बाल मेरे फिर से वैसे ही हो गए, अभी दोबारा स्ट्रेट करवाने पड़ेंगे। तो यार इसको मतलब कि सारा जो भी सिस्टम है यार ओके चला हुआ, बस इसके वेट और ये इसके पपीज की हमें, और किसी चीज़ की वो नहीं, बस इसके पपीज की वेट है। और एक जो मैंने लास्ट में सरप्राइज मैं आप सबको बोला था वो ये है कि इसमें हम डेजी के बच्चों को रखेंगे, जो मतलब इतना बड़ा बॉक्स आपको दिख रहा है, लेकिन इसको ना मतलब कि थोड़ा होम के डिजाइन में इसको कट करूंगा मैं इधर से, शायद हाँ इधर से इसको कट करूंगा होम के डिजाइन में, उसके बाद इसके बच्चों को रखेंगे, जैसे भी जो भी कुछ होगा इस सिस्टम का जो भी कुछ होगा ना, वो आप सबको देखने के लिए मिल जाए जब बच्चे होंगे, आजकल में जो भी बच्चे होंगे वो आज अभी मैं बना के रख दूंगा, वैसे इसका जो भी होगा आपको दिखाऊंगा कैसे बनाया है, कैसे क्या सिस्टम है, सारी चीज आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे डेजी की मतलब के प्रेगनेंसी में जो जो मैंने इसको मतलब कि डाइट दिया उसकी बात, और रही कोट की बात, यार जब फीमेल नई नई प्रेग्नेंट होती है ना, स्टार्टिंग में क्रॉस करवाने के बाद, स्टार्टिंग में 15-20 दिन के बाद का, सॉरी 15-20 दिन, 15-20 दिन के बाद का जो भी सिस्टम होता है उसका, उसके बाद मतलब कि ना इसके जो बाल वगैरह जो भी कुछ होता है वो ना नए आने स्टार्ट, मतलब कि झड़के एकदम और नए आने स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल, और वैसे ही अभी हो रहा है, अभी इसके ना बाल बिल्कुल, जो भी इसके नया कोट चढ़ा था ना प्रेगनेंसी के टाइम, वो सारा कोट इसका ना गिर चुका है, अभी गिर चुका भी है वो, मतलब गिर भी रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो बेटर मतलब पहले से तो ठीक फील कर रही है ये भी, क्योंकि बाल एकदम घने हो गए थे बीच में, तो उसकी वजह से यार गर्मी तो लगती है यार, जर्मन शेफर्ड में ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसको गर्मी तो लगी रही थी। तो ये होती है हमारी बात, जर्मन एक 63 डेज
जर्मन शेफर्ड प्रेग्नेंट फीमेल की जो भी मतलब 6-7 वीक का जो भी उसका भी प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, वो सारा इसमें मैंने बता दिया है आप सबको। बाकी यार स्टार्टिंग में तो मैंने इसको कुछ इतना वो मतलब दिया नहीं था, क्योंकि मेरे को पता लगा था, मैंने अब की बार ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था इसकी प्रेगनेंसी पे कि भाई ये बिल्कुल मतलब ये बच्चे देगी या नहीं देगी, इस चीज़ में मैंने इसकी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो मैंने क्रॉस जैसे 14 दिसंबर और 16 दिसंबर को क्रॉस करवाया, मैंने उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने ध्यान दिया कहीं इस पे जाके। हाँ जनवरी में मैंने इसको 15-20 जनवरी के आसपास, 15-20 भी नहीं यार, जनवरी के बिल्कुल लास्ट में आके ये मेरे को शो हुई थी, 35 या 40 डेज के आसपास आके मेरे को शो हो गई थी कि हाँ भाई ये बच्चे देने वाली है, वरना एक डेढ़ यार वरना ना 1 महीने तक 1.5 महीने तक कोई इसके चांस नहीं लग रहे थे बच्चे देने का, ना इसमें मेरे को कुछ इतनी खास ग्रोथ लगी थी कुछ नहीं था, बस 30-35 डेज के बाद इसका मैंने ध्यान दिया था। बाकी कोट इसमें नया आ तो रहा था बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है, वैसे एक दिन मैं वैसे ही खड़ा हुआ था यहाँ पे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो शूट ही कर रहा था मैं, तो मैंने इसको देखा ना मतलब सुबह सुबह की बात थी, तो मैं यहाँ पे निकला ना मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल खटिया के पास खड़ी थी, तो मैंने इसको देखा ना इसका पेट मतलब क्या उस दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा लग रहा था, फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे काउंट करा फिर हल्का हल्का सा मेरे को ना मतलब कि फिर मैंने वीकली देखना स्टार्ट कर दिया, मतलब फिर 1 वीक के बाद देखा ना तो उसका पेट वाकई में थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा था उस वजह से, तो उसके बाद मेरे को कंफर्म हो गया था कि हाँ भाई ये प्रेग्नेंट है, तो उसी वक्त से मैंने इसकी डाइट जो भी थी मैंने चालू कर दी, उसी टाइम से खाने पीने लग रही है अच्छे से बिल्कुल मस्त है। तो फ्रेंड्स आप भी मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि डेजी से रिलेटेड और मेरी लाइफ से जो भी रिलेटेड जो भी ब्लॉग होंगे वो आज से आपको डेली रूटीन से देखने को मिलेंगे, सुबह से लेके शाम तक का जो भी ब्लॉग होगा आप सबको देखने के लिए मिला करेगा। सबसे मतलब कि जो शॉर्ट्स जो होती हैं मेरी वो आएंगी डेजी से रिलेटेड, और जो फुल व्लॉग होते हैं वो मेरे मेरी लाइफ से रिलेटेड और डेजी की लाइफ से रिलेटेड दोनों के लाइफ से रिलेटेड आए करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियो को डेली देखने के लिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।